बहुत स्वागत है ज्योतिष ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष शर्मा आज आपको बताऊंगी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए हम जानते हैं कि इस महीने का अंतिम सप्ताह 23 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 तक का यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेगा। इस सप्ताह का ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी ये जान लेते हैं। तो इस सप्ताह बुध देव दूसरे घर में धनु राशि में विराजमान रहेंगे। तीसरे घर में सूर्य देव मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्रदेव और शनिदेव चौथे घर में सातवें कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। पांचवें घर में गुरु मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। राहु छठवें घर में मेष राशि में विराजमान रहेंगे। साथ ही सातवें घर में मंगल वृषभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। बारहवें घर में केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे। यह तो हो गई ग्रह गोचर की बात। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में रहने वाली है। 23 जनवरी 2023 को चंद्रमा मकर राशि में 1:52 तक रहेंगे। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार इस सप्ताह भी चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ दिन ऐसे हैं जो सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं 23 तारीख को 1:30 बजे तक का समय यात्राओं से भरा रहेगा। छोटी मोटी यात्राएँ करेंगे और ये यात्रा आपके लिए अच्छी साबित होगी। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। पूरा दान पुण्य में भी विश्वास रखेंगे। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। बड़ों का सहयोग आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। स्पोर्ट्स और पर्सनालिटी में आपको लाभ हो सकता है। डिफेंस के क्षेत्र में भी कुछ अनोखा हो सकता है। स्टॉक कमोडिटी सेक्टर में भी निवेश परिवर्तन किया जा सकता है। 23 तारीख 1:30 बजे के बाद 24 और 25 तारीख 2:30 बजे तक दोपहर 2:30 बजे तक के समय की बात करें तो कीमती सामान की खरीदी कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। माता पिता के शौक पूरे होंगे किंतु उनके सेहत संबंधित थोड़ी आपको चिंता बनी रहेगी। यह समय कर्म क्षेत्र में काम ज़्यादा होगा। भागदौड़ ज़्यादा रहेगी लेकिन इस समय काम करने की क्षमता कमजोर है। चंद्र शनि का वेष दोष रहने से आपको हताश करेगा। सर का दर्द रहेगा। कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। कन्फ्यूजन के कारण आपका दिन व्यर्थ जाएगा। इस दिन आपको कम बोलने की आवश्यकता है। स्त्रियों की मदद से आगे बढ़ने के सहयोग दिख रहे हैं। उनकी सलाह लेकर आगे बढ़ना बहुत कुछ दे सकता है। दिल और दिमाग दोनों की सुनकर बड़े फैसले लीजिएगा। 25 तारीख 2:30 बजे के बाद में 26 और 27 शाम को 6:30 बजे तक का समय महाभाग्यशाली साबित होगा। आपके लिए यह वह गोल्डन पीरियड है जो मन और तिजोरी दोनों भर देगा। यह समय आपको लॉटरी मिलने के योग दिख रहे हैं। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ होगा। विदेशी काम बनेंगे। जो विद्यार्थी विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं आपके लिए समय अच्छा रहेगा। मांगलिक कार्यों से संबंधित भी यह समय काफ़ी उपयोगी होगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। रिलेशनशिप मैरिड लाइफ मधुर होगी। लव कम अरेंज के बारे में सोच पाएंगे। यह समय अगर आप बात करें संतान पक्ष की तो वहां से भी आपको खुश खबरी मिलेगी। आप इंश्योरेंस या लोन संबंधित समस्या में बड़े फैसले ले सकते हैं। यह दिन आपको कोई ना कोई अधूरा काम करने का मौका मिलेगा। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। लोग आपको सम्मान देंगे। यह दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों आप उपयोग में लाइए कि कार्य में इन दिनों को आप अपने कार्य में उपयोग कर सकते हैं। 27 तारीख 6:30 बजे के बाद में स्थिति पलटेगी। परिवार में अशांति बीमारी और चीज़ों की लापरवाही करने में आपको देखा जा सकता है। यानी कि 27 तारीख को 6:30 के बाद में कम बोलिएगा। लड़ाई झगड़े से बचने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने सेहत पर ध्यान रखने की आवश्यकता है।
अब बात करें बच्चों की और बच्चों की सेहत की, तो सेहत का ख्याल रखिएगा। अब बात करें शुभ रंग और अंक की, तो 23 तारीख को शुभ रंग होगा, शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 5, 24 और 25 तारीख को शुभ रंग होगा सफ़ेद और शुभ अंक होगा 2। साथ ही 26 और 27 तारीख को शुभ रंग होगा लाल और शुभ अंक होगा 1। अब बात करें उपाय की, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह में आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मीठे का दान करना चाहिए, विशेषकर आपको इन दिनों में, यह सप्ताह में 25, 26, 27 तारीख को गुड़ खाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। यह था वृश्चिक राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपनी कोई भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828। धन्यवाद।